हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका RCBS का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो कहाँ पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें google.com ओपन करना है, उसमें टाइप करना है RCBS एडमिशन 2022 IAS पेपर। IAS पेपर एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जिस पर आपको RCBS से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IASPaper.net RCBS PGDM एडमिशन 2022 एप्लीकेशन फॉर्म, इसी लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपका RCBS PGDM इज रिफर्ड टू, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया गया। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये फॉर्म फिल कर लेना है, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, करेंट स्टेट, करेंट सिटी, इंडस्ट्री, कोर्स, चार्जेस, क्वालिफिकेशन, गेट की कौन सी पे क्लिक कर लेना है। इससे आपके ईमेल आईडी और आपके कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू RCBS से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको फ्री आपको SMS कर दिए जाएंगे। तो आप फिर इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजगिरी सेंटर फॉर बिजनेस स्टडीज़ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दी गई है। तो आपको क्या करना है, आपके लिए गुड न्यूज़ है। पहले वो गुड न्यूज़ मैं बताना चाहूँगी, क्या गुड न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। UPES लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KEL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी एंड DIT यूनिवर्सिटी, ये इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी हैं। यहाँ पे फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। तो आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, क्यों एडमिशन लेना चाहिए, आपको यहाँ पे 100% प्लेसमेंट मिलने वाली है, क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाला है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिलने वाला है, प्रैक्टिकल लर्निंग मिलने वाला है एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए। मैं आपकी जगह पर होती तो ज़रूर एडमिशन लेती। आपको सपोज अगर आप कहीं पर एडमिशन लेते हैं, अपने आसपास के किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो क्या होगा, अलग अलग स्टेट के बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन ये इंडिया का टॉप 6 यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर अलग अलग स्टेट के नहीं बल्कि अलग अलग कंट्री के भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो आप उनके साथ रहेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके साथ खाएँगे पियेंगे, तो क्या होगा, आपका कल्चर एक्सचेंज होगा, माइंड एक्सचेंज होगा, नॉलेज एक्सचेंज होगा एंड टैलेंट एक्सचेंज होगा। तो आपको यहाँ पे एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए। मैं आपकी जगह पर होती तो डेफिनेटली ले लेती। आपको क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप लोगों को अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर लेना है और एडमिशन ले लेना है। तो यहाँ पर आपका जो RCBS का एडमिशन जो स्टार्ट हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज़ हुई है MBA MA के PGDM के लिए, तो आपको क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम, अपना लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फ़ोन, अपना फ़ोन नंबर फिल करके आपको साइन अप कर लेना है। अगर आप स्टूडेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको आपने अगर कभी रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेना है, आपको न्यू यूज़र करके यहाँ पे आपको साइन अप करना है। तो आपको अपना नाम जो कि मैंने बताया वही फिल कर लेना है। तो अब आपको क्या करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी और आपको पासवर्ड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका ये न्यू टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर दिया गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज मुझे MBA के लिए करना है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई क्लिक करके आपको अपना पर्सनल डिटेल्स दे देना है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है वो, ब्लड ग्रुप अपना मदर टंग, आपकी मातृभाषा क्या है वो, यहाँ पे आपको रिलीजन अपना बता देना है, इसके बाद आपको कास्ट बता देना है, नेशनैलिटी अपनी बता देनी है, पासपोर्ट नंबर, स्टेट ऑफ डोमिकल आप कहाँ कहाँ के हैं वो आपको बताना है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है, प्लेस ऑफ बर्थ आपका मतलब जन्म कहाँ पे हुआ था, किस स्थान पे हुआ था वो, आपको अपना स्पेसिफिक कैटेगरीज बता देनी है, मटेरियल स्टेटस बताना है, फिजिकल जेंस्ट बताना है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पे दिया गया है प्रोग्राम्स का वो आपको बता देनी है, एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे देना है आपको, उसके बाद आपको गार्जियन डिटेल्स, पेरेंट्स डिटेल, एकेडमिक रिकॉर्ड आपको बता देना है यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट स्कोर कार्ड का यहाँ पे आपको रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्कोर कितने मिला था वो,
परसेंटाइल कितनी मिली थी। यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस अपना बता देना है, ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर आपको कितने ईयर से आपने स्टार्ट किया, कितने ईयर तक, और नेचर ऑफ वर्क बताना है, मंथली आपको कितने पैसे मिलते थे वो, और आपने इसके बारे में आपने कहाँ से जाना, राजगिरी के बारे में आपने कहाँ से जाना है वो आपको बता देना है। अदर सोर्सेस अगर कुछ इसके अलावा भी किसी और सोर्स से आपने जाना है तो वो बता देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना सब कुछ अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ स्टूडेंट करके आपको सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट, तो सबमिट हो जाएगा और आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको पेमेंट कर लेना है। ऐसे ही करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।